कोरोना महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण देश में कई जगह पर कर्फ्यू लगा है। वहीं ऐसे में लोग रेल यात्रा बहुत कम संख्या में कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या कम होने के कारण भारतीय रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत चलने वाली 24 गाड़ियों को आगामी आदेश तक रद्द किया गया है। इंदौर स्थित अपने कार्यालय में रेलवे PRO जितेंद्र जयंत ने शनिवार दोपहर को बताया कि इंदौर से अमृतसर, चंडीगढ़, लिगमपल्ली, पुरी, गांधीनगर, अहमदाबाद सहित कई शहरों में जाने वाली रेलगाड़ियां आगामी आदेश तक रद्द की गई हैं। वहीं इंदौर से उदयपुर चलने वाली गाड़ी अब वह सप्ताह में 3 दिन चलेगी। साथ ही इंदौर से मुंबई जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस भी सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह दोनों गाड़ियां अभी तक रोज चलती थी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जिस तरह से COVID-19 पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में और हर शहर में बहुत ही आक्रामक रूप में फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपना रुझान ट्रेन की तरफ से कम किया है, या तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन को स्थगित किया है या कैंसिल किया है। उसके कारण हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें यात्रियों की संख्या नगण्य है, बहुत कम यात्री यात्रा कर रहे हैं। तो भारतीय रेलवे पे रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो गाड़ियाँ खाली चल रही हैं तो उनको बंद किया जाए तब तक कि उसमें डिमांड नहीं हो। तो इस तरह से पश्चिम रेलवे ने अब 44 गाड़ियों को रद्द किया है और वो अग्रिम आदेश तक रद्द है। जैसे उसमें इंदौर की काफ़ी गाड़ियां हैं जो इंदौर से अमृतसर चलती है, इंदौर से चंडीगढ़ चलती है, इंदौर से लिंगमपल्ली चलती है, इंदौर से पुरी चलती है, इंदौर से गांधीनगर अहमदाबाद चलती है। इस तरह से काफ़ी गाड़ियां हैं जिनको रद्द किया गया है और ये गाड़ियां अग्रिम आदेश तक रद्द रहेंगी। साथ में 2 गाड़ियां हैं जो इंदौर से उदयपुर जाती है, उसको सप्ताह में 3 दिन कर दिया है, जो प्रतिदिन चलती थी, और एक इंदौर से मुंबई जो रोजाना जाती थी अवंतिका एक्सप्रेस, उसको भी 3 दिन कर दिया है। तो ये जब तक ये ट्रेनों की में यात्रियों की संख्या कम रहेगी तब तक इन गाड़ियों को इसी तरह से संचालित किया जाएगा और जिस गाड़ी में यात्री नहीं मिलेंगे उस गाड़ी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा और अग्रिम आदेश तक उसको फिर जैसे जैसे उसकी डिमांड होगी उसके मुताबिक चलाया जाएगा। हालांकि रेल प्रशासन जो भी रेलों का संचालन कर रहा है COVID-19 के पूरी नियमों की अनुपालना करते कर रहा है, क्योंकि जो भी ट्रेन हमारे यहाँ से रवाना हो रही है उसको पूरी तरह सैनिटाइज़ कर रहे हैं हम लोग, मास्क लगाए या नहीं लगाए हम लोग पूरा उसका एहतियात रखे हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग रखी है नहीं वो सब पालन तो पूरा किया जा रहा है और उनके ऊपर कड़ाई से जुर्माना भी किया जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको 500 रुपये तक का जुर्माना भी किया जा रहा है कि वो मास्क को कैरी करें और आगे बढ़ें। RPF के द्वारा भी हम लोगों ने हेल्प टेबल बनाई है जिससे कि लोगों को वहाँ बैठ के भी लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है। तो कुल मिला के रेल प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे जितने भी यात्री हैं अपने घर तक पहुँचें तो पूरी तरह से कोविड से सुरक्षित पहुँचें और कोई संक्रमित ना हो, इसके लिए ये रेल प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।